क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो बेटा जब भी क्वेश्चन के अंदर सो ब्यूटीफुल, मैंने बताया वेरी एक्सट्रीमली प्राउडली जैसे वर्ड है तो उसको हटाओ। अब यहाँ पर सो के बाद क्या दिया है, उद्गारवाचक, ब्यूटीफुल, किसी की तारीफ की गई है। तो यहाँ पे ए और एन आया क्या, नहीं, अगर ए और एन आता तो व्हाट ए लगाते, बट अभी क्या लगाएंगे बेटा, हाउ, हाउ ब्यूटीफुल, अब आगे का सब्जेक्ट, इट लुक्ड, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो याद आया क्वेश्चन स्टार्ट करते समय व्हाट ए या हाउ दोनों में से एक लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है या अदर वर्ड का इस्तेमाल किया उसको यहाँ पे लिखोगे। लिखने के बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाला जो पार्ट होगा वो लिख कर लास्ट में क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। द फिफ्थ क्वेश्चन वॉज वेरी टफ, पांचवा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था। तो सबसे पहले यहां पर ए और एन आया है क्या, नहीं, तो क्या लगेगा सर, हाउ, वेरी जैसे शब्दों को हटा डालो, बचा क्या, टफ, हाउ टफ द फिफ्थ क्वेश्चन वॉज, द फिफ्थ क्वेश्चन वॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क। दैट इज वेरी फनी, सर ए और एन आया है क्या, नहीं, हाउ लगाओ, वेरी वर्ड हटा दो, बचा क्या, फनी, दैट इज, दे विल बी वेरी हैप्पी, सर ए आया है क्या, नहीं, हाउ हैप्पी दे विल बी, एक्सक्लेमेशन मार्क। प्रॉब्लम, आई एम रियली ग्रेटफुल, हाउ ग्रेटफुल, हाउ ग्रेटफुल आई एम, रियली वगैरह नहीं आएगा, आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल, ऐसा नहीं, रियली बोला मतलब एग्जैक्ट बोलते ज्यादा बता रहे, नहीं, इट इज सो डल एंड अनइंटरेस्टिंग। सबसे पहले सो जैसे शब्दों को हटा दो, डल एंड, तो हाउ डल एंड अनइंटरेस्टिंग इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। वॉकिंग इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज, तो बेटा आएगा वॉट, समझ रहे हो, वॉट क्यों आया, बिकॉज एन आ गया, वॉट एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज वॉकिंग इज, बात समझ में आ रही है, इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब देखो आपका वक्त कैसा बदलेगा, जज्बात कैसे बदलेगा, हालात कैसे बदलेंगे और कैसे आपका पेपर जाएगा। यहां पर सर आया है ए, यहां पर लगाओगे सर व्हाट, पक्का, ग्रेट वर्ड हटा देना है, बट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो माई डियर, माई डियर, माई डियर, आपने लिखा इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, व्हाट इज माई सब्जेक्ट, इट हैज, आखिरी में लगाना है उद्गारवाचक चिन्ह, बट ये माना जाएगा एक्सट्रीमली गलत, क्योंकि इम्पैक्ट का पहला वर्ड क्या है, आई, ए आई ओ यू के पहले क्या लगता है, एन, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एक ही बात ना भूली, ए आई ओ यू, तुषार कपूर ना, ए आई ओ यू, कितना अच्छा उन लोग ने ग्रामर सिखा देखो गोलमाल में, ए आई ओ यू,
ये पांच वर्ड से स्टार्ट होने वाले ज्यादातर वर्ड के आगे क्या लगता है एन, समझा? तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट, जिसको नहीं समझ में आता वो हिंदी वाला अ आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ एन आ, इसमें हाँ है तो क्या इधर इम्पैक्ट के आगे क्या लगेगा? हाउ लगा ही नहीं सकता, ए है ना, तो व्हाट ए लगेगा, नहीं तो एन लगेगा, कंफर्म है, बट व्हाट ए लगता, बट इम्पैक्ट में आई है तो इसके पहले एन लग गया, हाउ तो लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अ आई हिंदी के जो पहले जो 12 है स्वर, अगर पढ़ते समय इम्पैक्ट इम्पैक्ट हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? इम्पैक्ट, ऐसे लिखोगे, पहला वर्ड क्या है ई, तो वहां पर लगेगा एन, समझा? स्वर 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 निकल रहा है, जैसे अगर मैं बोलू ये क्या है सर, ऑनेस्ट है ना, लिखा हॉनेस्ट है, लिखा क्या है हॉनेस्ट, लेकिन इंग्लिश में पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, तो भाई साहब ओ, इसलिए यहां पर क्या लगेगा एन, बात है, छोटा सा आर्टिकल बीच में आ गया, ठीक है, क्या करें, ग्रामर की रिक्वायरमेंट है तो भाई कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट देखो बेटा, द मिनिस्टर वॉज एक्सट्रीमली कर्निंग, तो माय डियर द मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक्सट्रीमली वर्ड हटा दे, कर्निंग लगा दे, ए एन आया नहीं रहे तो क्या करने का बेटा, हाउ कर्निंग द मिनिस्टर वॉज एक्सक्लेमेशन मार्क एज इट इज, अरे केम छो, मजा मजा हो एकदम एकदम, मिनिस्टर आई गयो है, एट सब्जेक्ट वॉज हेल्पिंग वर्ब ए, क्लियर है, वेरी भिखारी डेंजरस, व्हाट अ डेंजरस मिशन इट वॉज, मिशन क्या है बहुत डेंजरस है, तो ऐसे डेंजरस मिशन पे किसको भेजने का, पठान को, टाइगर को, जोया को, नहीं तो कौन था, ऋतिक रोशन, कबीर, हाँ हाँ, चारों को भेजो, कात्या पाकिस्तान से भिड़ना है ना तो सनी देओल का भेज दो, she found it very difficult, oh my dear, she is my subject, found verb हो गया, it very difficult, ये भाई साहब very हट जाएंगे, तो भाई साहब how difficult she found it, exclamation mark, it must be a very interesting story, आया है तो बेटा व्हाट अ, वेरी हट जाएगा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर, एन क्यों लग गया, आई की वजह से, स्टोरी इट मस्ट बी, प्रॉब्लम है क्या, ग्रामर भी चाहता है कि तुम एक नंबर लेकर जाओ, समझा, एक्सक्लेमेटरी में आया, कभी कभी क्या होता है आपके साथ थोड़ा सा प्रैंक हो जाता है, उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखनी पड़ेगी, वाली स्लाइड में बताऊंगा। मान लो एक सेंटेंस दिया है, व्हाट अ, अगर एक्सक्लेमेटरी चालू कर दिया तो, ओहो फैब, What a day it was. अब ऐसा कोई सेंटेंस अगर जिसमें एक्सक्लेमेटरी, अब बोलेगा क्वेश्चन के ब्रैकेट में मेक इट अफर्मेटिव, समझा, मतलब इसमें एक्सक्लेमेटरी हटाने का है, तो बेटा क्वेश्चन करते समय एक्सक्लेमेटरी करते समय अपन क्या करते थे, वॉट
हर लगाते थे, अब हटा दे, सिंपल है। अपने को इतना मालूम है सब्जेक्ट और हेल्पिंग और लास्ट में लिखना है, तो पहले लिख एट वॉज अ डे, ये आला तेरा आंसर राइट है। तुझे और कुछ यह लिखना है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल लिखा तो भी राइट मिलेगा, इट वॉज अ मेमोरेबल डे वो भी राइट मिलेगा, इट वॉज अ ग्रेट डे तो भी राइट मिलेगा। मतलब आपने बेसिकली किया क्या, वॉट ए हटा दिया और एक सेंटेंस बनाया जिसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो उसको कन्वर्जन करने के लिए भी बोल सकता है। एक्सक्लेमेटरी ऐसा ग्रामर है जिसमें नंबर अगर कट रहे नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है आपके, क्योंकि सिंपल सा रूल ही क्लियर बोलता है सेंटेंस में पहले क्या ढूंढने का, ए और एन, ए आया एन आया तो इसका मतलब व्हाट ए या व्हाट एन से चालू करने का, नहीं आया तो हाउ से चालू करो। उसके बाद जिसके ए एन आने के बाद वेरी एक्सट्रीमली ट्रिमेंडस फ्रेंड, ये जो भारी भरकम शब्द है उसको हटाओ, उसके बाद वाला एडजेक्टिव पहले लिखो, सब्जेक्ट और हेल्पिंग को बाद में एक्सक्लेमेशन लगाओ, आपका सेंटेंस रेडी। ये ग्रामर सीखने का दूसरा एडवांटेज बताता हूं, व्हेन यू डूइंग द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ना, वहां पर भी आपको उसको मदद मिलेगा। लेट मी टेक अ एग्जांपल, राम सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट अ मेमोरेबल डे इट वाज, एक्सक्लेमेशन मार्क। मान लो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, वैसे बताने नहीं चाहिए था, बता रहा हूं लेकिन, तो कभी भी इसको कन्वर्ट करने के टाइम पे सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहा जाता है सेड टू की जगह पे टोल्ड लगाओ, तो क्या आ जाएगा बेटा, राम टोल्ड श्याम, पहला रूल हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाने का, बट इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सो बेटा यहां पर आएगा एक्सक्लेम्ड, क्या आएगा वर्ड, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिटेल में सीखेंगे, डोंट वरी, बट फिलहाल के लिए बता रहा हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगेगा, एक्सक्लेम। अब अंदर के वाक्य को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अफर्मेटिव करना पड़ेगा इसको, तो व्हाट अ मेमोरेबल डे इट वॉज, तो पहले मन में करो इट वॉज अ मेमोरेबल डे, इट वॉज अ मेमोरेबल डे। अब इट, इट ही रहेगा, वॉज ये टोल्ड लिखा है ना, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, वॉज किस पे कन्वर्ट होता पता है ना, इट, इट हार्ड, कहां से, रूल डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल मैं बता रहा हूं कि इसको कन्वर्ट किया हम लोग ने, इट वॉज अ मेमोरेबल डे। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया जाएगा तो उस तरीके के वाक्य को सबसे पहले अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे और बाद में उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सॉल्व किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन दिया है राम टोल्ड श्याम दैट, दैट आया मतलब ऐसे ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में दैट नहीं आता। राम टोल्ड श्याम एक्सक्लेम्ड व्हाट एन, पहले ही गलत, रेस से पहले, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के को कन्वर्ट करते समय डायरेक्ट इनडायरेक्ट में व्हाट वर्ड आना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले इस वाक्य को हम लोग अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। इट हैड अ मेमोरेबल डे, क्योंकि पास्ट टेंस, वहां पे सिंपल पास्ट टेंस विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस, क्यों कहां से, डोंट वरी, कल मॉर्निंग के ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही लेंगे अपना सिंपल, हाँ लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे, हाँ तो सुबह देखेंगे ना टाइमिंग के, ठीक है। तो समझ में आई बात, कि कभी भी याद रखो कि अगर कन्वर्जन बोला है तो माय डियर कन्वर्जन करते समय याद रखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सक्लेमेटरी, कभी कभी ऐसा बोलता है इट वॉज अ मेमोरेबल डे, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ व्हाट ए, बोले सर ये तो सिखाया नहीं, बेटा व्हाट ए सिखाया था, कहाँ सिखाया था, एक्सक्लेमेटरी, मतलब उस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, बात समझ में आ रहा है।
एक ऐसा क्वेश्चन देगा, रीराइट द सेंटेंस विदाउट या रिमूविंग द वर्ड वेरी, वेरी वर्ड को हटाओ. सो वेरी किधर हटता है? एक्सक्लेमेटरी में हटता है. आपको अपना दिमाग उत्तू से इस्तेमाल करना है कि कहीं पे सर ने बताया था कि वेरी वर्ड कहां पे हटता है, तो वेरी वर्ड हटता है एक्सक्लेमेटरी में. लगा दे उधर, तेरे को वेरी हटाने से मतलब है. नहीं तो तुम क्या करोगे, एट यहाँ पे क्वेश्चन में वेरी दिया इसे, इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल डे. तुम क्या लिखो, इट वॉज अ मेमोरेबल डे. वेरी हटा के आ गया, जीरो मिलेगा भाई साहब. हटाने बोला था तो हटा ऐसे ही मन से. घर के अंदर चार सदस्य, एक गायब कर दो चलेगा? अरे कोई तो रीजन होगा, बाहर गया रहेगा, आउट ऑफ टाउन हो गया रहेगा, स्वर्गवासी हो गया रहेगा, अरे रीजन तो उसके लिए ठीक है. तो एक्सक्लेमेटरी सिंपल ग्रामर है, वन मार्क आपको देकर ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा. और अगर आप ले जाने दे रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. डिफिकल्टी है क्वेश्चन में, पक्का लिख के लो एग्जाम्पल्स.